सोलन में मंगलवार 5 बजे से कर्फ्यू लग चुका है। इसकी घोषणा उपायुक्त सोलन के सी चमन द्वारा की जा चुकी है। उन्होंने शहरवासियों को सलाह दी है कि वे किसी भी सूरत में कर्फ्यू के नियमों की अवहेलना ना करें। अगर कोई नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि चिकित्सक और आपातकालीन सेवा दे रहे कर्मी पहले की तरह अपनी सेवाएं देते रहेंगे। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि लोग जब धारा 144 लगाई गई थी तो उसका ठीक से पालन नहीं कर रहे थे, उन पर बंद का असर नहीं हो रहा था, मजबूरन कर्फ्यू लगाना पड़ा। इस कर्फ्यू के चलते अब कोई भी लोग अपने घर से निकल नहीं सकते हैं। अगर कोई निकलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों की उल्लंघना और अवहेलना करने वालों को 2 वर्ष की सजा तक हो सकती है। उन्होंने बताया कि जो भी फार्मा कंपनी के कर्मचारी हैं उन्हें आने जाने में छूट दी गई है, लेकिन वे कहीं बाहरी राज्यों से आ जा नहीं सकते हैं। उन्हें कर्मचारियों और अपने इंतजाम करने के लिए आसपास की जगह ही ठहरना पड़ेगा। सर, जैसे कि कर्फ्यू लग गया है, कर्फ्यू में क्या क्या होगा और क्यों लगाया गया है? कर्फ्यू लोगों की सुविधा के लिए लगाया गया है, उनमें संक्रमण ना हो, वो घरों पे ही रहें। अभी ये देखा गया है कि हमने लॉकडाउन भी किया, धारा 144 भी लगाई, फिर भी काफ़ी मात्रा में लोग बाहर अंदर बाहर कर रहे हैं, जिसमें संक्रमण का बहुत बड़ा खतरा है। ये अभी एक वायरस है, इनकी लोगों के हित के लिए उनको घरों में रखने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है, और ये कर्फ्यू अभी 5 बजे से लागू हो गया है और ये आगामी आदेशों तक जारी रहेगा। सर, जैसे कि अगर लोगों में ये थोड़ी सी ये दिक्कत है कि कई कंपनीज में काम करने निकले हैं, कभी कुछ निकले हैं, वो घर पे कैसे पहुंचेंगे अगर कर्फ्यू लग गया है? ऐसा है कि जो कंपनियों की व्यवस्था है, हमने पहले इसमें आदेश कर दिए हैं, चाहे बद्दी में हो, बीबीएन में हो, उसमें ये कहा गया कि कंपनियां फार्मास्यूटिकल ये हैं वो अपना उत्पादन बदस्तूर जारी रखेगी, और उसके लिए बशर्ते कि जो उनके जो आना जाना पंचकुला से होता था वो उसके लिए वहाँ पे वहीं पे रहने की व्यवस्था उनके लिए की गई है, होटलों में वो रहेंगे, मॉडरेट रेट्स पे प्रशासन के द्वारा वो उपलब्ध कराए जाएंगे। और दूसरी बात यह कि जो उनके लेबरर्स क्लास है उनके लिए भी वहाँ काफ़ी खाली एकोमोडेशन है, उनकी व्यवस्था भी वहाँ पर की जाएगी, और उनका फैक्ट्री से वर्क ये अपने वर्क प्लेस से घर तक और घर से वर्क प्लेस जाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिजेज है, बसेज हैं, उनकी परमिशन के लिए हमने एग्जम्पशन दी है। वो ऐसी जा रही है जिसकी एग्जम्पशन की परमिशन एसडीएम नालागढ़ को ऑथोराइज किया है, और परवानों में एसी प्रोटोकॉल को किया है, और सोलन में और इसमें कंडा घाट में संबंधित एसडीएम ये परमिशन जारी करेंगे। सर, इसमें कौन कौन यानी कि आ जा सकता है, किसके ऊपर पाबंदी यानी कि लगाई गई है और किस पे नहीं? इसमें डिटेल ऑर्डर है, उसमें हमने जारी किया है कि जो एसेंशियल सर्विसेज से ही है, जो इसमें है, जो हेल्थ के हैं, जो उसके या प्रशासन के हैं, जो ये सेवाएं दे रहे हैं वही उसमें आना जाना कर सकते हैं। सर, जैसे कि मीडिया है, मीडिया वगैरह, मीडिया के लिए हम अलग से एक इसमें टेकअप कर रहे हैं कि मीडिया की जो एक्रेडिटेड जो टाइप का मीडिया है उसको हम कोशिश करें, हम दे देंगे परमिशन। और जैसे सर, ऐसे सुनने में आ रहा कि और भी कोरोना वायरस के जो सस्पेक्टेड है वो नजर आ रहे हैं, ये जो सस्पेक्टेड है ये कर्फ्यू लगाया गया, कन्फाइनमेंट की जाएगी ताकि संक्रमण समाज में औरों को ना हो, तो इसके लिए अब इस दौरान जहां जहां संक्रमण होगा, जहां जहां रोगी टेलीफोन से, और हमने डेडिकेटेड ये कंट्रोल रूम यहां पे बना दिया गया है, उसमें सूचनाएं आएगी, उनका सैंपल लिया जाएगा, उनको आइसोलेशन किया जाएगा और क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इससे इस कोरोना वायरस की बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी, और इसके लिए मेरे को लोगों से यही आग्रह है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि घर से बाहर ना निकले। अभी भी कर्फ्यू के दौरान 8 से 12 बजे तक छूट है, आज हमने रखी हुई, फिलहाल देखेंगे कि लोग घरों से बाहर, सब्जियां जो एसेंशियल कमोडिटी 4 घंटे के लिए खुली रहेगी, और उसमें भी हमने कंडीशन लगाई कि घर से एक आदमी आएगा और वो अपना कार्य करके तुरंत वापस चले जाएगा। बाजार में संक्रमण ना हो, घर में हो सुरक्षित है, बाजार से जाओगे, मिलोगे, जुलोगे, भीड़ में रहोगे, संक्रमण उससे पैदा होगे, फिर आप घर में लोगे, फिर और संक्रमित होगा, तो इस चीज से आपने बचना है। ये आपके लिए ही, आपकी सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए ये कर्फ्यू प्रदेश सरकार ने लगाया है। अगर आदेशों की पालना नहीं होती है और कोई नहीं करता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई? उसमें बड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी एपिडेमिक एक्ट के तहत, और जो एपिडेमिक एक्ट 1897 का है उसके तहत प्रावधान है दंड का,
और उसके बाद आईपीसी की धाराएं हैं, 2 साल तक की सजा है, और 51 जो नेशनल डिजास्टर एक्ट है उसके तहत भी इस पर दंड दिया जा सकता है।